Ini sama kayak Jim. साइकिल और मोटरसाइकिल मुख्य मार्ग से थोड़ा साइड में लगा देंगे, क्योंकि अभी गाड़ी उड़ी आने वाले हैं, सूचना मिली है, इसलिए आप रोड से साइकिल मोटरसाइकिल कृपया करके हटा देंगे। दर्शक बंधु से निवेदन है कि आप साइकिल और मोटरसाइकिल मेन रोड से हटा देंगे, जैसे कि अभी चार चक्का आने वाली है, अभी सूचना मिली है, इसीलिए आपको हटा देंगे। हेलो, अरे बाहर ले जाएंगे। Thank you.
चलिए आप सबों के बीच सेकंड राउंड का अंतिम मुकाबला इस समय कोल्हान टाइगर बनाम जूनियर एफसी बुरीवालीपुर के बीच और होना अब तक जो है कोल्हान टाइगर की टीम प्रथम राउंड की अगर हम बात करेंगे निश्चित तौर पर मयंक इलेवन कुछ जैसे मजबूत टीम को पास कर चुकी है और अभी तक जो है जूनियर एफसी बनवालीपुर की टीम जो है वो लगभग लगभग एक बार गौरवमुखी और ये वो खिलाड़ी हैं कि जमशेदपुर हीरो इंडियन सुपर लीग पर खेलते हैं। अरे भाई फिर प्लेस ही हो रहा है भाई, गौरवमुखी जिद अंदाज से अपने टीम के लिए योगदान दे रहे हैं और सभी दर्शक बंधु की जानकारी के लिए पुनः बताना चाहूंगा हीरो इंडियन सुपर लीग जमशेदपुर की टीम पर ये खिलाड़ी अपने खेल को जो है दिखा चुके हैं। हम इनको टीवी पर भी देख चुके हैं क्योंकि आज वो अपने आप को साबित कर चुके हैं कि वो आज भी उसी खेल के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर जूनियर एफसी बनमालीपुर की टीम इस वक्त 1-0 से जरूर पिछड़ रही है, लेकिन अगर पूरी दमखम रिदम के साथ प्रयास करें तो निश्चित तौर पर 1-0 की बढ़त और एक बार गौरवमुखी एक अलग ही एयरशिल पर नजर आ रहे हैं। गोमिया के लिए गेंद, लेकिन छोटी छोटी समांतर पास एक बार गोमिया बिमल के लिए गेंद को जरूर सरकाया इस समय जर्सी बनों के पोशाक पर। बीते मैच में बिमल कुमार के नाम भी एक स्कोर जरूर रही है, गोरा चांद मांडे के नाम भी एक स्कोर सुरक्षित है, लेकिन इस समय पहला गोल यहां पर जो है गौरव मुखी के द्वारा। तो चलिए कहीं ना कहीं अच्छी जुगलबंदी होगी तो निश्चित तौर पर बिमल कुमार भी अपने नाम स्कोर करना पसंद करेंगे और गोरा चांद मांडे भी। लेकिन जूनियर एफसी बनवालीपुर की बात करें तो अब तक उनके पास उस प्रकार के जो है मौके नहीं बने हैं। एक बार गोमिया बिमल के लिए गेंद काफी तेज गति के साथ बिमल गेंद तक पहुंच पाएंगे फिर गेंद जी नहीं, बिमल गेंद तक नहीं पहुंच पाए, गेंद चली गई टच लाइन के बाहर, आउट थ्रो करने का अवसर जो इस समय जूनियर एफसी बनमालीपुर। छोटी सी समांतर पास नियंत्रण नहीं और संयम बरते के खिलाड़ी साथी आप खेल को खेल की मंशा से खेलेंगे, आप बेवजह नहीं उलझेंगे क्योंकि आपके खेल देखने के लिए पूरे मैदानों की ऐसा कोई भी छोर नहीं बची है जहां दर्शक बंधु का तादाद और एक बार की दूसरी गोल के तलाश पर, लेकिन अच्छी उछाल चले इस चलती मैच के बाद। इस मैच के बाद तैयार रहेंगे बेना बारसा और मुकाबले में होंगे बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब। तो चलिए भाई इसके बाद वाले मैच के लिए आप तो संबंधित टीम आमने सामने जरूर होंगे, तो भाई आप हैं बेना बारसा और मुकाबले में होंगे बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब बरकुनिया। टीम कप्तान टीम मैनेजर सर अपने टीम को जो है खेल समाप्ति के पूर्व हमारे रेफरी फिनाल के समक्ष लेके आएंगे। जैसे जैसे ये खेल समाप्त होगी उसके उपरांत क्योंकि एक सजीव टीम के साथ एक युवा प्रतिभा खिलाड़ी अपने दमखम को यहाँ पर बिखार रहे हैं वो एक बड़ी उपलब्धि है। और एक बार पर टिकुल
और कहीं ना कहीं यहाँ पर कमल जिस अंदाज से इस पहले मैच में अपना प्रदर्शन को निखारा है, मयंक 11 कुछ के विरुद्ध काफी बेहतरीन उन्होंने गेंद को सेव किया है। हालांकि 3-2 से टीम जीत 10 की है कोल्हान टाइगर, लेकिन अब 1-0 की केवल बढ़त बनी है और ये 1-0 की बढ़त अधिक देर तक जो है मान्य नहीं रखेगी। कहीं ना कहीं अगर ऐसे मौके बनेंगे तो ये बराबरी पर आ सकती है। और एक बार यहां पर गौरव मुखी के लिए गेंद को देना चाह, लेकिन गेंद पर गति जरूर नहीं थी। तो इसके बाद वाले मैच के लिए भाई दोनों टीम खेल समाप्ति के पूर्व आपको हमारे रेफरी पैनल के समक्ष आना है, इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपनी तैयारी को आरंभ कर देंगे। अच्छी उजाली समय, लेकिन कमल गेंद को भाप चुके थे, अच्छी गेंदर यहां पर और पूरा गौरव मुखी गेंद अच्छी स्किल के तहत अपने संतुलन पर गेंद को रखे। बिमल के लिए गेंद और बिमल से गेंद रुकी नहीं, हालांकि विकल्प के तौर पर घोराचार आदि मौजूद थे, लेकिन गेंद तो सुने रेपसी मौका बन सकती है जर्सी नंबर 7 पर। और यहां पर 1-0 का लक्ष्य का पीछा कर रही है समय सुने रेपसी बनमालीपुर और ये काफी दूर से सफर तय करके आई है। ये चकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र की टीम है और एक बार गौरव मुखी दूसरी गोल की तलाश पर और जोरदार प्रहार, लेकिन उल्टा नहीं थी, लेकिन गेंद जो है गोल पोस्ट के बाहर है। और एक बार पुनः इस समय बिमल और अभी भी गेंद में जो है अभी तक नियंत्रण बनाए रखे हैं, लेकिन गलत प्रयास, समांतर पास देना चाहे अपने साथी खिलाड़ी के लिए। अच्छी गेंद इस समय जरूर निकाले हैं बनमालीपुर खिलाड़ी, अभी तक जो है वो हिम्मत नहीं हार रहे, हिम्मत जुटा रही है, चलिए उनको पता है कि 1-0 की बढ़त जो है अधिक देर तक मायने नहीं रखने वाली है। और इस समय जर्सी नंबर 6 दूर से किक और सीधे कमल के हाथों पर, यानी कि जिस अंदाज से यहां पर किक लगाया गया था जर्सी नंबर 9 के द्वारा। और एक बार गौरव मुखी अच्छी यहां पर 1-1 विमल के साथ यहां पर पुनः गेंद जो विमल के लिए और यहां पर जोरदार किक, क्योंकि जितने भी गोल गौरव मुखी ने दागे हैं अब तक में उनका स्कोर 2 जरूर ही है, लेकिन जिस अंदाज से गेंद को गोल पोस्ट में डाले कोई गति नहीं केवल दिशा दिखाए हैं, लेकिन विमल की सोच कुछ अलग ही रही। यहां पर ताबड़तोड़ किक की कोई आवश्यकता नहीं थी, भाई आप दिशा देते और गेंद को जो है गोल पोस्ट पर रखते। तो चलिए एक बार पुनः बेकार सा प्रयास, यहां पर गेंद चलिए उपलब्ध करा देंगे, गेंद आ चुकी है। तो इसके बाद वाली मैच के लिए आप यथाशीघ्र अपने सजीवी टीम को लेकर जो है आप रेफरी पैनल के समक्ष चले आएंगे। रघु के द्वारा हुई है चुक जरूर, लेकिन इस समय चुक का फायदा कहां तक उठा पाएंगे बनवाले पर। अच्छी उछाल यहां पर कमल छोड़ेंगे नहीं, अच्छी उछाल जरूर डाली गई थी, लेकिन कोमल जो है अपने सही समय पर आगे बढ़े और गेंद को जो है अपने दास्ताने पर गेदर किया। विमल के लिए एक बार तोहफा और विमल यहां पर गोरा चांद बांडी के लिए खेलना चाहा, गोरा चांद बांडी यहां पर इशारा कर रहे हैं कि भाई ये गेंद जो है आप संतुलन कर सकते थे, लेकिन यहां पर गेंद जो है भड़बड़ाहट में गोरा चांद के लिए छुपा गया। नंबर जर्सी नंबर 3 बनमालीपुर नजदीकी मामला हो सकती है ताबड़तोड़ किक और डिफेंडर ने अपना काम कर दिखाया। एक बार पुनः गौरव मुखी जर्सी नंबर 7 के पोशाक पर यहां पर पुनः बिमल को विकल्प के तौर पर चुना है, बिमल गेंद के साथ आगे बढ़े गोरा चांद बांटे यहां पर कौन और यहां गौरव मुखी आज अपने कृतमान और अपने खेल को जो है लहरा चुके हैं और सभी के दिलों में राज कर चुके हैं, क्योंकि जिस अंदाज से यहां पर गोरा
मौका बिल्कुल नहीं गवाएंगे और उनका निजी स्कोर से गौरव गोगोई का सर्वाधिक 3 अपने अभी वर्तमान खेल में उनके द्वारा 2 गोल लगा गया। हालांकि इससे पहले बेनाम बादशाह के खिलाड़ी जिलिंग गोप को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी हैट्रिक का, नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर गौरव गोगोई का अवसर जरूर है। हैट्रिक मारने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन क्या ये मौका देंगे जूनियर एफसी बनने वाले पूर्व खिलाड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। एक बार जर्सी नंबर 6, जर्सी नंबर 17 के लिए उछाल जरूर डाला गया, लेकिन यहां पर गोला साथ मारने मौजूद। अच्छी गेंद यहां पर गोलमुखी और इस टीम के लिए अच्छी मौका हो सकती है अपने नाम स्कोर करने के लिए और हैट्रिक करने के लिए। यहां पर गोलमुखी जरूर आगे बढ़े थे, यहां पर नियंत्रण नहीं के बाद वाले मैच के लिए दोनों टीम आप हमारे रेफरी पिनाल के समक्ष चलाएंगे भाई। आप बेनाम बादशाह और मुकाबले में होंगे बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब ऑफ बरकुंडिया। आप दोनों टीम से विशेषकर नम्र निवेदन रहेगी कि आप जितना जल्द हो सके अपने सजीवी टीम को लेकर हमारे रेफरी पिनाल के समक्ष चले आएंगे। यथाशीघ्र 2-0 से चल रही है सूर्य रक्षी बन मालीपुर, लेकिन दमखम रिदम के साथ वापसी की जो खेल को दर्शा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर बात बन सकती है। एक बार सही तालमेल से अगर वो खेलेंगे तो निश्चित तौर पर छोटा गेंद को जो रोके हैं और एक बार उछाल भरा गेंद गौरव गोगोई के लिए, हैट्रिक के बिल्कुल करीब है और यहाँ पर अपने और गेंद जरूर पार हुई थी, लेकिन यहाँ पर गौरव मुखी को यहाँ पर बिल्कुल मेन मार्क किया गया। नतीजा इस समय आउट थ्रो करने का मौका और काफी लंबी थ्रो गौरव मुखी की और इस समय गोरा साध मारने के लिए और किक। वन टू वन के प्रयास पर यहां पर गोमिया और जिस अंदाज से यहां पर गेंद जो ले रहे थे हो ना हो जोखिम लेना पसंद नहीं करेंगे रघु, क्योंकि उनकी टीम 2-0 से बढ़त बना के खेल रही है, यहां किसी भी प्रकार के जोखिम लेना पसंद नहीं करेंगे और लगभग लगभग भाई ये मैच अंतिम पड़ाव की ओर आकर्षण हो रही है। अभी तक दोनों टीम रेफरी पिनाल के समक्ष नजर नहीं आ रही है। अच्छी स्किल के साथ दर्शी नंबर 10 के लिए गेंद और यहाँ पर विकल्प जरूर थी, लेकिन यहाँ पर किक करने के साथ बात बन सकती थी। उछाल भरा गेंद और सीधे गेंद कोमल के हाथों पर। और एक बार गोमिया के लिए गेंद समंदर पास, गौरव रुकी यहाँ पर, रुके यहाँ पर इशारा कर ही रहे थे, लेकिन उससे पहले गेंद जो है रिलीज कर दी गई गोमिया के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जिस रिसीव करने के वजह यहाँ पर गेंद जो है फिश में लगता हुआ यहाँ पर पूरा आउट थ्रो करने का मौका इस समय कोल्हान टाइगर की टीम। तो भी चले आएंगे इसके बाद वाले मैच के लिए बेनाम बादशाह की टीम। अगर आप विलंब करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रतिद्वंदी टीम को जो प्रतिबद्धता दी जाएगी, क्योंकि वो बड़े फिलिप फिनाल के समक्ष आ चुकी है। बेनाम बादशाह की टीम कप्तान, अगर आप चाहते हैं कि निर्धारित समय जो आपका सुरक्षित है आप पूरा मैच खेले तो आप अविलंब चले आएंगे हमारे रेफरी पैनल के समक्ष, अन्यथा कमेटी परिवार बाध्य हो जाएगी आपको समय में कटौती करने की, क्योंकि आपको एक मैच के पूर्व यह सूचना फरमाया जा रहा है। की और इस समय पूरा विमल होंगे सामने जरूर यहाँ पर गौरव मुखी को ही सौंपा। अच्छी कप्तानशिप, अच्छी रणनीति, सूझबूझ के
साथ यहाँ पर विमल चाहता तो भी गेंद को गोल में तब्दील कर सकते थे, लेकिन और इसी के साथ